प्रिय बच्चों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक गुंजन भाग 7 से स्नेह पगी पाती पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक दूसरे को संदेश किन किन माध्यमों से भेज सकते हैं? तो यदि हमें संदेश भेजना पड़े तो हम कुछ माध्यमों का सहारा लेते हैं। तो हम अनेक माध्यमों से समाचार भेज सकते हैं, जैसे कि डाक के सहारे, जैसे कि आजकल हम SMS के सहारे भी भेज सकते हैं, ईमेल के सहारे भेज सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आज विज्ञान काफ़ी प्रगति कर चुके हैं। आज से पहले, वर्तमान युग से पहले अर्थात बहुत समय पहले, हम ये कह सकते हैं संदेश भेजना कोई आसान काम नहीं था। हम डाक के सहारे भेजते थे जो कई दिन लग जाते थे, तार के द्वारा भेजते थे जो कई घंटों में मिल जाता था, या फिर अन्य माध्यमों से किसी के हाथ में देकर संदेश भेज देते थे। तो इस प्रकार से संदेश भेजा जाता था, परंतु आज के जमाने में हम तुरंत ही संदेश भेज सकते हैं। आज विज्ञान इतनी प्रगति कर चुके हैं, संचार माध्यम इतने उन्नत हो चुके हैं कि हम मिनटों में अपने संदेश दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए आप किसे चिट्ठी लिखेंगे, उस चिट्ठी में क्या क्या लिखेंगे, तो हम अपने परिवार परिजनों को चिट्ठी लिखते हैं, अपने मित्रों को चिट्ठी लिखते हैं। तो यदि हमें भी चिट्ठी लिखने का मौका मिले तो हम चाहेंगे जो हमारे प्रियजन हैं, हमारे परिवार परिजन हैं, हमारे मित्र जो हमारे राज्य से किसी दूसरे राज्य में बसते हों, उसे चिट्ठी लिखना चाहेंगे। और उस चिट्ठी में हम उनके हाल चाल पूछेंगे, अपने बारे में बताएंगे, शुभकामनाएँ भेजेंगे। तो इस प्रकार से हम चिट्ठी में संदेश भेजते हैं। चिट्ठी लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है। तो ये पुराने ज़माने में लोग चिट्ठी लिखा करते थे, बहुत पुराने, अर्थात आज से मान लीजिए आज से 8-10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले। तो तब लोग के पास कोई और विकल्प न होने के कारण चिट्ठी के माध्यम से ही संदेश भेजा करते थे। जब संचार माध्यमों का इतना विकास नहीं हुआ था तब केवल चिट्ठी पत्री ही ऐसा साधन था जिसके द्वारा अपने स्नेही जनों के हाल चाल ले दे सकते थे। तो जब संचार माध्यमों का इतना विकास नहीं हुआ था तब चिट्ठी पत्री के माध्यम से ही हम अपने परिवार परिजनों को का हालचाल पूछते थे और जान सकते थे। तो चिट्ठियों के आने के इंतजार का आनंद ईमेल, व्हाट्सएप के इस युग में कहीं खो सा गया है। यह सच है कि तमाम आधुनिक संचार माध्यमों से भेजे गए संदेश को बांचने में वह अपनापन नहीं मालूम होता जो अपनों के हाथ से स्नेह के शब्दों में पगी पाती बांचकर मिलता था। तो आज हम बड़े ही सुगमता के साथ ईमेल, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से हम चिट्ठी पत्र भेज सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं। लेकिन इन माध्यमों के द्वारा हमें वह आनंद नहीं मिलता जो कभी हम चिट्ठी पत्र पढ़कर हमें मिलता था। इसमें वह स्नेह, इसमें वह ममत्व, अपनापन नहीं रहता। और व्हाट्सएप और ईमेल द्वारा भेजे गए संदेश
में हम यह पता नहीं कर सकते कि यह किसी ने खुद ही लिखा हो या फिर काफ़ी अधिक व्यस्तता के चलते अपने किसी सेक्रेटरी, मित्र अथवा किसी अन्य से लिखवा कर भेज दिया गया हो, तो ऐसा भी संभव है। परंतु उस समय चिट्ठी पत्री के ज़माने में लोग लंबे लंबे चिट्ठी पत्र लिखते थे और उसमें अपने भावों को भली भांति प्रकट करते थे, उसमें अपनापन होता था जो आजकल के ईमेल, व्हाट्सएप अथवा मोबाइल द्वारा भेजे गए संदेश में वह बात नहीं होती। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी के बचे हुए अंश को हम अपने अगले कक्षा में जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।